नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मेडिकल की पढ़ाई के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ के बारे में। एलिजिबिलिटी का मतलब है कि किन शर्तों पर आपको मेडिकल की पढ़ाई में प्रवेश मिलेगा और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए एडमिशन लेने से पहले, ताकि भारत आने के बाद जब आप यहाँ पर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो एलिजिबिलिटी को हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं समझने के लिए। एक, जब हम लोग भारत में मेडिकल की पढ़ाई के लिए अप्लाई करते हैं तो भारतीय गवर्नमेंट या नेशनल मेडिकल कमीशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन की। दूसरा, जब आप भारत से बाहर किसी कंट्री में जाते हैं तो जिस देश में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस देश में भी आपको देखना पड़ेगा कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, ताकि आप वहाँ पर एडमिशन लेने के बाद ऐसी कोई स्थिति ना देखें जिसमें आपको पता लगे कि आप एलिजिबल नहीं थे या किसी गलत तरीके से आपका एडमिशन हुआ। तो एलिजिबिलिटी दोनों जगह की आपको देखना ज़रूरी है। जहाँ से आप एडमिशन ले रहे हैं, भारत से जहाँ पर आप एडमिशन ले रहे हैं, एक्स वाई जेड दूसरी किसी भी कंट्री में, तो दोनों देशों की एलिजिबिलिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। भारत में जो एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है उसमें आपको ये देखना है कि आपका 11th और 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ हुआ हो। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट 50%, रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट 40% से ऊपर एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। मिनिमम एज जो है वो आपका 17 ईयर्स होना चाहिए। 31 दिसंबर एडमिशन ईयर आपका जो भी है, मान लीजिए अभी हम लोग 2022 के लिए बात कर रहे हैं, आपने अगर 2022 में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है तो जो 31 दिसंबर 2022 है तब तक आपका 17 साल कंप्लीट हो चुका हो, ये एज को लेकर रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज़, अगर हम लोग बाकी रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो नीट अपेयर करना और क्वालिफाई करना कंपलसरी है। इसमें मेरिट आना या नहीं आना वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन फ़िलहाल एडमिशन के लिए एलिजिबल होना है अगर आपको, तो आपको केवल नीट क्वालिफ़ाई करना है। नीट क्वालिफ़ाई करने के लिए भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 50% लेकर आना है। यहाँ समझें, हम लोग 50% की बात कर रहे हैं, ना कि 50% की। 720 मार्क्स का पेपर होता है। 720 मार्क्स से 50% का मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका 50% आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि वो बच्चे एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो 50% जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए और 40% रिज़र्व कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए लाना होता है। ये कट ऑफ हर साल चेंज होती है और जिस दिन आपको रिज़ल्ट मिलेगा, जिस दिन आपका नीट का रिज़ल्ट आएगा, उसमें मेंशन किया हुआ होगा कि आपका टोटल कितना स्कोर है और आपका परसेंटाइल कितना रहा। तो कट ऑफ मार्क्स भी आपको वहाँ पर दिया होता है। अभी 2022 में 117 जनरल कैटेगरी के लिए और 93 रिजर्व कैटेगरी के लिए था। तो इसी तरीके से ये हर साल चेंज होता है, चेंज हो सकता है। तो ध्यान रखें, किसी भी एक साल की एलिजिबिलिटी ज़रूरी नहीं है दूसरे साल में भी सेम रहे। 50% है तो हमेशा ये वेरिएशन होगा, डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स ने कितना अच्छा पेपर किया, कितने स्टूडेंट्स ने कितना बुरा पेपर किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत से बाहर अलग अलग कंट्रीज़ की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में। तो आप इसको ऐसे समझें कि अगर आप भारत से बाहर जैसे बांग्लादेश में जा रहे हैं तो बांग्लादेश गवर्नमेंट के जो रिक्वायरमेंट है उन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको उन चीज़ों सभी चीज़ों को भी फॉलो करना है। जैसे बांग्लादेश में करंट ईयर और लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ही एडमिशन दिया जाता है। एक साल से ज़्यादा बच्चे जो ड्रॉप कर चुके हैं उन्हें एडमिशन नहीं दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ ही उनको मिनिमम 7 GPA चाहिए होता है उनके नॉर्म्स के हिसाब से। अगर मैं इंडियन मार्किंग सिस्टम के हिसाब से बात करूँगा तो आप मान के चलें लगभग 60% से ऊपर उनको चाहिए होता है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर स्टूडेंट इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को, पासिंग ईयर और परसेंटेज, दोनों रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करता है तो वो बांग्लादेश के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इसी तरीके से दूसरे कई कंट्रीज़ हैं जिनमें पर्टिकुलर परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है,
तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। जैसे इजिप्ट है, नॉर्मली वहाँ पर 70% से ऊपर कंसिडर किया जाता है। उसी तरीके से कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रशिया में और चाइना में हैं, वो जनरली 60% से ऊपर कंसिडर करती हैं। बट डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के स्टेटस, स्टैंडर्ड और उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके हिसाब से। कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 50% को भी कंसिडर करती हैं और कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो पास क्लास स्टूडेंट को भी एक्सेप्ट करती हैं। तो एडमिशन लेते समय हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी केवल पास क्लास स्टूडेंट को भी एक्सेप्ट कर रही है तो आपके साथ में बैठकर पढ़ने वाले स्टूडेंट किस तरह के होंगे। केवल पास क्लास स्टूडेंट होंगे तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर चीज़ें उतनी कम्फर्टेबल ना लगें, तो ये आपकी चॉइस है। जनरली हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि अगर आप सभी ऑप्शंस के लिए एलिजिबल हैं तो जो सबसे बेहतर ऑप्शंस हैं उनके लिए आप जाएं। अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए एलिजिबल नहीं हैं तो अननेसेसरी किसी और तरीके से जुगाड़ वाले सिस्टम से एडमिशन लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसमें बाद में आप ही को परेशानी होगी। ऐसे किसी भी ऑप्शंस को अवॉइड करें और कोशिश करें कि किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट टेम्परिंग या फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिशन में आप इन्वॉल्व ना हो। इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हो सकता है आपके पासपोर्ट पे डिपोर्टेड का स्टैंप लगाकर आपको वापस भेज दिया जाए, आपकी पढ़ाई, आपका पैसा, आपका समय पूरा ख़राब हो जाए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एलिजिबिलिटी के बारे में पूरी जानकारी लें और जहाँ पर आप एलिजिबल हैं वहीं एडमिशन लें, सही तरीके से, सही लोगों से, सही कंपनीज़ के थ्रू और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें। इसके अलावा और भी कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं एलिजिबिलिटी से संबंधित या मेडिकल की पढ़ाई से संबंधित, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि जो एलिजिबिलिटी के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं उन्हें पूरी जानकारी समय पर मिल पाए। थैंक यू।